हेलो सर, मैं नीलांजल कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज हम लोग सीखेंगे कोई भी रेगुलर एम्प्लॉय ट्रांसफ़र होकर आते हैं तो उनका एलपीसी इन एचआरएमएस में कैसे किया जाता है। एचआरएमएस में एलपीसी इन करने के लिए सबसे पहले एचआरएमएस के वेबसाइट hrms.bihar.gov.in पर जाएंगे। एचआरएमएस के वेबसाइट पर जाने के बाद सबसे पहले मेकर का यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले साइन इन आइज पर क्लिक करके एम्प्लॉय मेंटेनेंस पर क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय मेंटेनेंस पर क्लिक करने के बाद फिर यहां से ऑप्शन आता है सस्पेंस मैनेजमेंट, लोन मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मेंटेनेंस मेकर, फिर टास्क लिस्ट। यहां सबसे पहले हमको जाना है एम्प्लॉय मेंटेनेंस मेकर पर क्लिक करेंगे। फिर क्लिक करने के बाद यहाँ से एलपीसी इन पर क्लिक करेंगे। जैसे एलपीसी इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एलपीसी इन खुल जाएगा। अब यहाँ से देखिए एलपीसी इन, यहाँ एलपीसी रिक्वेस्ट डिटेल है, यहाँ से एलपीसी आउट रिक्वेस्ट आईडी है और यहाँ पर सिलेक्ट एम्प्लॉय है। तो यहाँ से हम जिस एम्प्लॉय को एलपीसी इन करना है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से इनका सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूरा उनका डिटेल खुल जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि ज्वाइनिंग डिग्नेशन उनका क्या है वो यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ से पहले से यहाँ से जो उनका पद होगा यहाँ से सर्च कर लेंगे। फिर यहाँ से उनका रिलीविंग डेट पूछेगा तो यहाँ पर ऑलरेडी वहाँ कब रिलीविंग हुए हैं वह यहाँ शो करेगा। फिर उसके बाद यहाँ है ज्वाइनिंग डेट इन ऑफिस, आपके ज्वाइनिंग हुआ कब योगदान किए हैं वो यहाँ योगदान डेट डाल देना है। फिर वह कब योगदान किए हैं, पूर्वाह्न में किए हैं या अपराह्न में किए हैं वो यहाँ डाल देंगे। फिर यहाँ है ज्वाइनिंग लोकेशन, तो ज्वाइनिंग लोकेशन ऑटोमेटिक आ जाता है, जब एलपीसी वहाँ शॉर्ट किया जाता है तो यहाँ डाल दिया जाता है कि ज्वाइन लोकेशन उनका क्या है, तो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर यहाँ है ज्वाइनिंग ग्रुप, अब जिस ग्रुप में उनको रखना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ अर्निंग हेड ऑफ अकाउंट शो करेगा।
यहाँ पर शो करता है। फिर यहाँ से है एलपीसी ऑट रिलीविंग रिमार्क, तो यहाँ रिमार्क में लिखा हुआ है जिनका रहेगा उनका यहाँ लिखा हुआ रहता है। अब यहाँ ज्वाइनिंग ट्रेजरी है, आप कौन से ट्रेजरी में ज्वाइन किए हैं उस जिला के, तो यहाँ यहाँ शो करेगा, तो यहाँ से जिस ट्रेजरी में किए हैं वो यहाँ आ जाएगा, तो जिस ट्रेजरी में रहेगा वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद है यहाँ पर पे इंटाइटलमेंट एज इन ज्वाइनिंग ऑफिस है, यहाँ से पे कमीशन है तो 7th पे रहेगा। ये पे बैंड में कुछ नहीं होता रहता है, अनहाइड किए हुए। फिर यहाँ कि गवर्नमेंट क्वार्टर उनको अलॉट है या नहीं, अगर है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। फिर उस एम्प्लॉय को व्हीकल्स अलॉटेड है या नहीं, अगर है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नहीं करें, नो पर क्लिक कर देंगे। फिर वहां से सेलेक्ट कर लेंगे कि उनका एचआर हाउस रेंट कितना है, तो जितना उनका हाउस रेंट यहाँ रहेगा वो यहाँ पर डाल देंगे। फिर यहाँ से है कि सिटी अलाउंस सिटी इंटाइटलमेंट तो है या नहीं, तो यहाँ पर रहेगा तो यस कर देंगे, या नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। फिर यहाँ सब चीज फिल करने के बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। सिटी इंटाइटलमेंट पर यहाँ पर क्लिक देख लेंगे, तो अदर सिटी यहाँ पर ऑप्शन रहता है सिटी इंटाइटलमेंट फॉर हायर रेट, और फिर बिहार भवन, फिर अदर सिटी, यहाँ अदर सिटी पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से इसको सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाता है एलपीसी इन सेव सक्सेसफुल्ली, तो यहाँ से इसको कट कर देंगे। फिर कट करने के बाद यहाँ फिर नीचे आएंगे, फिर यहाँ पर है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में डॉक्यूमेंट डालना है तो यहाँ पर कुछ नहीं डालेंगे, छोड़ देंगे इसको। फिर यहाँ से एक्शन है, तो यहाँ सेंड टू, अगर मान लिया जाए कि चेकर है तो चेकर पर यहाँ से फॉरवर्ड होगा, अगर चेकर नहीं है तो सीधे यहाँ से अप्रूवल पर फॉरवर्ड होगा। तो यहाँ से चेकर है तो यहाँ पर चेकर पर सेंड टू पर को सिलेक्ट कर लेंगे, और रिमार्क में लिख देंगे वेरीफाई वेरीफाई एंड फॉरवर्ड। मार्क में लिख देंगे, अब यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आ जाता है हैव यू वेरीफाइड ऑल डिटेल आर करेक्ट कंफर्म टू प्रोसीड, यहाँ से इसको यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे तो एक मैसेज आ जाता है एप्लीकेशन फॉरवर्डेड सक्सेसफुल्ली, तो यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ से जो हमने एलपीसी चेकर पर फॉरवर्ड किए थे वो यहाँ से फॉरवर्ड हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है कि हमको यहाँ से मेकर का आईडी लॉग आउट करना है। तो लॉग आउट करने के लिए वहाँ पर लॉग आउट पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आ जाता है आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट कन्फर्म टू प्रोसीड, यहाँ से इसको यस कर देंगे। यस करेंगे तो यहाँ से मेकर का आईडी लॉग आउट हो जाएगा। अब यहाँ से हमको चेकर को लॉगिन करना है,
तो यहाँ से चेकर का यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले साइन इन एज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एम्प्लॉय मेंटेनेंस चेकर पर क्लिक करेंगे। जैसे एम्प्लॉय मेंटेनेंस चेकर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से दो ऑप्शन आता है, रिपोर्ट और टास्क लिस्ट। तो हमको यहाँ टास्क लिस्ट पर क्लिक करेंगे और इनबॉक्स पर क्लिक करेंगे। जैसे इनबॉक्स पर क्लिक करेंगे तो जो हमने मेकर से एलपीसी फॉरवर्ड किए थे वो यहाँ शो करेगा। तो यहाँ रेफरेंस नंबर के नीचे पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम वो देखें जो फॉरवर्ड किए तो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या करना है, टेकन एक्शन पर जाना है, एक्शन में जाना है। यहाँ टेकन एक्शन में यहाँ फॉरवर्ड टू अप्रूवल कर देना है और यहाँ से अब सेंड टू करना है। तो यहाँ से चेकर के बाद अप्रूवल का आता है तो यहाँ से अप्रूवल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से प्लीज लिख देंगे, प्लीज रिमार्क में लिख देंगे प्लीज अप्रूव, अप्रूव रिमार्क में लिख देंगे। फिर यहाँ से सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे यहाँ से एक मैसेज आ जाता है, हैव यू वेरीफाई ऑल डिटेल आर करेक्ट कंफर्म टू प्रोसीड। यहाँ से इसको यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे तो यहाँ से एक मैसेज आ जाता है, एप्लीकेशन फॉरवर्डेड सक्सेसफुल्ली। यहाँ से इसको ओके कर देना है और जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चेकर का आईडी आप यहां से लॉग आउट करेंगे। तो यहां पर जाएंगे और यहां से लॉग आउट कर देंगे। जैसे लॉग आउट पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आ जाता है, आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट कंफर्म टू प्रोसीड। यहां से इसको यस कर देना है। अब यहां से चेकर का आईडी हम लॉग आउट कर दिया। अब यहां से हमने अप्रूवल का आईडी लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले साइन इन एज पर क्लिक करेंगे। जैसे साइन इन एज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बड़ा बहुत सारा ऑफिस जुड़ा होता है। जब एक डीडीओ कई ऑफिस से जुड़े होते हैं यहाँ से सभी ऑफिस का यहाँ शो करता है। इसीलिए आपको जो अपना ऑफिस है वो ऑफिस पर क्लिक करें, एम्प्लॉय मेंटेनेंस अप्रूवल पर क्लिक करें जो आपका ऑफिस है, यहाँ पर एम्प्लॉय मेंटेनेंस पर क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय मेंटेनेंस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, तीन ऑप्शन आता है, रिपोर्ट आता है, टास्क लिस्ट आता है और ई बिलिंग आता है। तो हमको यहाँ से टास्क लिस्ट पर क्लिक करेंगे। टास्क लिस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इनबॉक्स पर क्लिक करेंगे। जैसे इनबॉक्स पर क्लिक करेंगे तो जो हमने चेकर के आईडी से एलपीसी फॉरवर्ड किया था वो यहाँ शो करेगा। यहाँ रेफरेंस नंबर के नीचे पर क्लिक कर देंगे। ऐसे रेफरेंस नंबर के नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर ऑफिस, यहाँ देखिए ऑफिस ऑब्लिक यूजर कमेंट है। तो यहाँ पर देखिए दो हमने मेकर चेकर का यहाँ शो करता है। फिर यहाँ से हमको एक्शन पर
एक्शन पर देखेंगे, एक्शन में जाएंगे या फिर एक्शन टेकन है तो यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट कर लेंगे अप्रूव एंड ई साइन पर क्लिक करेंगे। अगर सही है तो अप्रूवल एंड ई साइन पर क्लिक करेंगे। अगर मान लिया जाए कि हमको लग रहा है कि यह गलत है तो हम यहाँ से सेंड टू बैक कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर सही है तो यहाँ से अप्रूव एंड ई साइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ रिमार्क में अप्रूव लिख देंगे, अप्रूव लिखने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाता है, हैव यू वेरीफाइड ऑल डिटेल आर करेक्ट कंफर्म टू प्रोसीड। यहाँ से इसको यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे तो यहाँ से अप्रूवल के मोबाइल पर ओटीपी चला जाता है। तो यहाँ से ओटीपी लेने के बाद यहाँ वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। तो वेरीफाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आपका एलपीसी इन हो जाएगा। इस तरह से कोई भी एम्प्लॉय को, तो रेगुलर एम्प्लॉय को जो ट्रांसफर होके आए हैं वो एचआरएमएस में एलपीसी इन कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि यह वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज थैंक यू।